नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के लिए बहुत बेहतरीन खबर निकलकर सामने आई। जी हाँ, चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि जनता प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही है। चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि जनता प्रियंका गांधी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहां पर देखा जाए कि ईवीएम जो है उसका भी मुद्दा उठ रहा है। लेकिन चुनाव से पहले ईवीएम के जरिए जो है अब बात होती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर एक और जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता मूड बना चुकी है कि प्रियंका गांधी को ही मौका दिया जाना चाहिए। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को मौका दिए जाने की बात देखकर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेशान दिखते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये बात जानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, केवल कुछ काम किए हैं जिनसे जनता खुश नहीं है, और जनता इसीलिए बदलाव की ओर दिखती नजर आ रही है। चुनाव से पहले सर्वे क्या कहते हैं, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, चुनाव से पहले जनता क्या सोच रही है, इस पर भी बात करेंगे और इस पर बात करना जरूरी भी है। दरअसल चुनाव से पहले जनता क्या सोच रही है, अगर ये समझ में आ जाता है तो फिलहाल पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत किस राजनीतिक पार्टी की हो रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड कांग्रेस पार्टी के साथ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अभी तक कई बड़े ऐलान कर चुकी है और उस ऐलान का असर है कि जनता ये कह रही है कि प्रियंका गांधी हैं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल सकती हैं, युवाओं के भविष्य को बदल सकती हैं, महिलाओं के लिए काम करती नजर आएंगी। जी हाँ, चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का ऐलान है 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, मत्स्य पालन करने वाले लोगों के लिए काम किया जाएगा, आशा वर्कर को हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने फैसला किया है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियाँ उनको आधुनिक तौर पर शिक्षित किया जाएगा, स्मार्टफोन और स्कूटी जैसी चीज़ें देने की बात भी की जा रही है। तो प्रियंका गांधी ने लगातार जो अभी तक ऐलान किए हैं, यही ऐलान है जो उत्तर प्रदेश की जनता को खूब पसंद आ रहे हैं, क्योंकि चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया, और ना ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं पर ध्यान दिया, ना ही रोजगार पर ध्यान दिया, महिला सुरक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया, किसानों पर भी ध्यान नहीं दिया। वो तो चुनाव है, इसलिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 3 कृषि बिल वापस लिए हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले बहुत थोड़े काम है जो योगी सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन प्रियंका गांधी के एक एक ऐलान का असर है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़ती नजर आ रही है, और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि वाकई अगर इसका फायदा प्रियंका गांधी को होता है तो जाहिर सी बात है तस्वीर बदलती नजर आएगी। दरअसल हाल ही में देखने को मिला कि प्रियंका गांधी ने महोबा में रैली की, और इस रैली के दौरान बहुत बड़ी संख्या में जो जनता थी वो जुटती चली गई, बहुत बड़ी संख्या में जनता आई थी और प्रियंका गांधी को सुन रही थी। प्रियंका गांधी की इन्हीं रैलियों का असर है कि आज उत्तर प्रदेश में बदलाव होता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी की इन्हीं रैलियों का असर है कि आज उत्तर प्रदेश में तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी जिस तरह काम कर रही हैं, प्रियंका गांधी जिस तरह उत्तर प्रदेश में बदलाव कर रही हैं, और प्रियंका गांधी के इससे बदलाव का असर है कि फिलहाल चीज़ें अलग होती नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो माहौल बन चुका है वो माहौल कांग्रेस के समर्थन में दिखता नजर आ रहा है, वो माहौल है जो प्रियंका गांधी के समर्थन में दिखता नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करने पर जोर भी देगी, लेकिन एक बात तो है कि योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उधर अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, और कई राजनीतिक पार्टियां जो हाथ मिलाती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी जो है अखिलेश के साथ गठबंधन कर रही है, तो यहां पर इन जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं इनको फायदा होता नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करते हुए जिस तरह उन्होंने काम किया, ये साफ तौर पर बताता है कि वाकई आने वाले समय का माहौल बदल रहा है, आने वाले समय में तस्वीर बदलती नजर आएगी। क्या कुछ इस पे आने वाले समय में अपडेट रहेगा, जानकारी रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। और लगातार एसपीएन 9 न्यूज़ चुनावी खबरों पर काम कर रहा है, एसपीएन 9 न्यूज़ लगातार आपको चुनावी हाल बताता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर चुनावों से पहले जिस तरह के हालात बन चुके, चुनाव से पहले जिस तरह की स्थितियाँ बन चुकी, ये स्थितियाँ ही हैं जो बताती हैं कि वाकई फिलहाल जो है
वो वक्त अब कांग्रेस पार्टी के लिए दिख रहा है। चुनाव से पहले ये स्थितियां बता रही हैं कि मौजूदा समय के हालात कांग्रेस के समर्थन में दिखते नजर आ रहे। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर जोर देती नजर आ रही है। और वाकई कांग्रेस पार्टी के इसी स्थिति की वजह से बहुत बड़ा फायदा पार्टी को मिलता नजर भी आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कई नारे उत्तर प्रदेश में लगा चुकी हैं। प्रियंका गांधी के इन्हीं नारों का असर है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, चाहे किसान हैं, वो प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का झुकाव रहना, चुनाव से पहले जनता का प्रियंका गांधी को समर्थन करना बहुत कुछ सियासी इशारा करता है, बहुत कुछ जो है चीज़ों में बदलाव करता नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीत पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रियंका गांधी हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दरअसल इसी बात को ध्यान में रखा दिया। प्रियंका गांधी ने फैसला कर लिया है कि वो लड़की हैं और लड़ेंगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आखिरी दम तक वो अपनी लड़ाई लड़ती रहेंगी। यानी कि एक और जहाँ प्रियंका गांधी को हराने के लिए बीजेपी की तमाम फौज दिखती नजर आ रही है, एक और चुनाव हराने के लिए बीजेपी के तमाम धुरंधर इस वक्त राजनीति मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी हैं जो अकेले चुनावी मैदान में डटी हैं। प्रियंका गांधी जो अकेले चुनावी मैदान में काम करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलना यानी कि तस्वीरों का बदलना। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फायदा मिलता है तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता नजर आएगा। अब देखना ये होगा कि जनता किसके साथ जाती है और किसके साथ नहीं जाती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।